हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में A1 टेक में। मेरा नाम है नरेश, आप देख रहे हैं A1 टेक। गाइज, अगर कोई भी हम SBI ई मुद्रा लोन के अंदर हम फ्रेश फॉर्म अप्लाई करते हैं, फर्स्ट टाइम जिसका अप्लाई करते हैं, तो आपको कैसे अप्लाई करना चाहिए ताकि उसके फॉर्म में एरर नहीं मिले, तो काफ़ी मेरे के पास कमेंट आते हैं, सर इसका क्राइटेरिया भी पूरा है, इसका स्टेटमेंट या इसका सिविल भी सब कुछ ओके है, फिर भी इसके अंदर एरर आ गया और इसका हमने पहली बार ही ट्राई किया था, इससे पहले हमने ट्राई भी नहीं किया। तो पता है आपको सबसे बड़ी गलती कहाँ करते हैं आप, तो उसमें आपको एक नई ट्रिक आपको शेयर करने वाला हूँ जिसमें आपको एरर देखने को नहीं मिलेगा, कम से कम भी 80 या 90% के एरर का सॉल्यूशन भी इस वीडियो में हो जाएगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना, साथ में ही चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस शेयर कर देना, जिससे आने वाली हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो स्टार्ट करते हैं गाइज इस वीडियो को, क्योंकि आज इस वीडियो में सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है और एक की अच्छा कंटेंट आपको डिलीवरी कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें आपको मैंने बताया कि फ्रेश फॉर्म जब भी हम ऐसे मुद्रा लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले आपको उसके क्राइटेरिया पे फोकस डालना है। क्राइटेरिया अगर उसका सब कुछ सही है, उसके बाद में आपको उसकी रिक्वेस्ट डालनी है, रिस्क नहीं लेनी है उस फॉर्म पर, आपको रिस्क नहीं लेनी है, आपको पहले उसकी रिक्वेस्ट डालनी है। रिक्वेस्ट डालने के 24 घंटे बाद में आप उस लोन के लिए अप्लाई करना है आपको, मतलब कि रिक्वेस्ट के 24 घंटे बाद में आप फॉर्म को अप्लाई करोगे। अब ये नहीं कि डायरेक्ट हम पहले अप्लाई करते हैं उसके बाद में अगर एरर आता है तो आपको रिक्वेस्ट डालते हैं, तो ऐसा नहीं करना। आपको सबसे पहले आपको रिक्वेस्ट डालनी है। अब रिक्वेस्ट होगा क्या, अब रिक्वेस्ट में बताता हूँ आपका होगा क्या। अगर आप एलिजिबल होते हो लोन के लिए तो आपके पास मैसेज भी आ जाएगा, अदरवाइज जो आपका पहले भी एरर रहता है या आप नहीं रहते, आपकी नई प्रोफाइल रहती है, तो इसमें एक मुद्रा लोन में एक मैसेज चला जाता है जिसमें आपको एलिजिबल कर दिया जाता है। तो सबसे पहले आपको इसी तरह से अप्लाई करनी है, क्योंकि ये मैंने रिसेंट में चेक भी किया और मैंने आगे से अपडेट भी लिया है, तो आपको इसी तरह से आपको अप्लाई करना है। जो भी आपके पास नए फ्रेश फॉर्म आते हैं तो सबसे पहले आपको रिक्वेस्ट डालनी पड़ती है। अब जिन लोगों को नहीं पता रिक्वेस्ट कैसे डालते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कम से कम भी 10 पॉइंट मैंने ऐड किए हैं वहाँ पे, तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा कि रिक्वेस्ट कैसे डालते हैं। वहाँ पे आपको लिंक पे क्लिक करना है तो आपके सामने वीडियो ओपन हो जाएगा, वहाँ पे देख के आप रिक्वेस्ट डाल सकते हो। लेकिन आपको फ्रेश फॉर्म में अगर कोई भी रिस्क नहीं लेना है तो आपको सबसे पहले उसकी रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी, फिर उसके 24 घंटे बाद में उसको लोन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, ताकि आपका जो एरर आता है वो एरर नहीं आए। क्योंकि अभी ये होता है रिसेंट में हम 10 फाइल भी कंटिन्यू अगर नई फॉर्म चेक कर देंगे ना, तो उसमें भी हमें एरर देखने को मिल जाएगा, और कोई मतलब कि एक या दो ही फाइल ऐसी होगी इसमें जो ओपन होगी उसके अंदर, बल्कि 8 या 9 फाइल ऐसी होंगी जिसमें रिजेक्ट हो जाएगा, जिसमें एरर आ जाएगा। तो आपको भी अगर रिस्क नहीं लेना है, आपको सारी फाइलें कंप्लीट करनी है, तो आपको सबसे पहले उसमें रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी। रिक्वेस्ट डालने के बाद में आपको 24 घंटे बाद में आपको अप्लाई करना है, उसके बाद में आप खुद देख लेना, आपको खुद को रियलाइज हो जाएगा कि उसमें एरर नहीं आएगा, आपकी फाइल है जो सक्सेसफुली ओपन हो जाएगी और आपको एरर भी नहीं मिलेगा और फाइनली आपका लोन भी अप्रूवल हो जाएगा। तो यही छोटी सी एक ट्रिक थी, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में ही चैनल को नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस सेट कर देना, जिससे आने वाली हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।